कैसे हो आप सब? I hope so guys, you all are doing absolutely great and fine. So guys, we are back again with another video and today's video is इजराइल और फलस्तीन की वीडियो होने वाली है. कुछ जंग का आप सभी को पता हुआ है, पता है कि क्या चल रहा है भाई इजराइल और फलस्तीन में. बहुत ही बुरा हाल है सिविलियंस की. तो भाई मतलब कि क्या ही बोले उनके बारे में, जो उनको सहना पड़ रहा होगा बेशक दोनों ही कंट्रीज में. और आज इन सुनने को मिल रहा है कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है. तो एक वॉर हो रही है बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली. एंड वीडियो भी आज की यही होने वाली इसी चीज के ऊपर. ईरान का ऐलान जंग. ईरान ने आप सभी को पता है जो ईरान के प्रेसिडेंट थे उन्होंने वो वार के लिए कह दिया था कि जंग का ऐलान कर रहे हैं. सभी अपना अपना सेफ रहे, ध्यान रखे अपने. जो भी कंट्री के लोग हैं पब्लिक उनको कह दिया था. सारे ईरानी लड़कों को ईरान ने लेबनान भेजने का दिया आदेश. अच्छा, लेबनान भेजने के लिए कह दिया सारे लड़के जो भी हैं. तो फिलहाल देखते हैं भाई इस वीडियो में क्या है, क्या बवाल मचा हुआ है भाई, पूरा का पूरा देखते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. यस, ईरान का ऐलान है जंग. जी हाँ, ईरान ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब ईरान ने ऐलान जंग कर दिया है. दोस्तों, सीधी ब्रेकिंग न्यूज सीधा आपके सामने रख रहा हूं. सबसे बड़ी खबर आपसे बस गुजारिश है कि हमारे चैनल रजाग्राफी और दूसरे चैनल अनस्क्रिप्टेड, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें. दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि फाइनल वार्निंग दी है ईरान ने यूएन को. कहा है कि अगर गाजा में कत्लेआम नहीं रुकवाया, ईरान के विदेश मंत्री ने फिर से कहा है 12 घंटे के अंदर दूसरी और फाइनल धमकी. यूएन को कहा है कि अगर आपने गाजा के अंदर कत्लेआम नहीं रुकवाया तो अब हमारे जो लड़ाकू हैं उनके हाथ ट्रिगर पर हैं. दोस्तों, ये इन 8 दिनों में पहली बार ईरान ने बोला है. अब आप कहेंगे ईरान तो रोज धमकी दे रहा है, लेकिन ये जो बात बोली है कि हार्ट ट्रिगर पर है. और इसके अगली जो बात आई है सामने इंटेलिजेंस से, वो और डराने वाली है दुश्मन को. खबर ये है कि इराक के लड़ाकों, अपने जो इराकी सेना है, जो प्राइवेट आर्मी आप कह सकते हैं जिन्हें ईरान हायर करता है, उनसे ईरान ने, बल्कि तमाम अपने ग्रुप से ईरान ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लेबनान में अपनी मौजूदगी को बढ़ाओ, यानी लेबनान पहुंचो. और आपको इससे पहले अपडेट दे चुका हूं, कल भी अपडेट दिया था, पूरी रात अपडेट दिया था कि आपको बता रहा था मैं कि लेबनान और इजराइल सीधा भिड़े हुए हैं. ऐसे में अब लेबनान के तरफ कूच करने को ईरान के विदेश मंत्री का आदेश आ गया है अपने सैनिकों के लिए, अपने लड़ाकों के लिए. इससे हालात अब क्या बन रहे हैं मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है. उधर दोस्तों, पूरी दुनिया अब फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है. गू खाने वालों का क्या ही कहना, जैसे ये जलील हो रहे हैं दुनिया में, वो तमाम लोग जलील हो रहे हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं. दोस्तों, बता दूं कि कैनेडा में जब गोदी मीडिया जैसी हरकत करता हुआ यूरोपियन मीडिया पाया गया तो वहां अंधभक्त तो है नहीं और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह वहां पढ़े लिखे हैं. मुस्लिम लड़की ने जब देखा कि प्रोपेगेंडा क्रॉस क्वेश्चन में उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा से यूरोपियन मीडिया जो है प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हमास ने सर काटा और हमास आतंकवादी, तो इस पर ऐसा जवाब दिया यूरोपियन मीडिया को कि एंकर के पिछवाड़े से गू की चिंगारी निकल गई. तो दोस्तों, ये होता है इंसान के पढ़े लिखे होने का फायदा. देखिए, Hamas is not a terrorist group. Oh, it isn't, ma'am. First of all, Hamas is not a terrorist group. What is it, like a motorcycle club? It is a resistance that has been fuming for 75 years of colonialism, of occupation, of murder, of rape, of little children, of women. That's what they are. They are resistance. Do you think Canada is a colonialist country too? Everything that they do is justified. Including what happened last week? Every single thing they have done is justified. Ma'am, there were children murdered. There were babies beheaded. Babies beheaded, really? Please educate yourself. Please check the news. Okay. Because as a news reporter, you gotta check the f***ing news. Whoa. Because they said that shit was fake. Okay? Multiple times.
different channels, different even Biden himself, his ministers and his idiots said himself that news was fake. So there's no 40 beheaded babies. And there are no 1,300 deaths in Israel? There's no evidence, there's no photos whatsoever. Hamas is a Muslim group. They would never do that because it's against Islam. Subhanallah, दोस्तों आगे बढ़कर बताऊंगा अब आपको जैसे जैसे सारी दुनिया में फिलिस्तीन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है आवाज तेजी से उभर रही है. अब रोम में रात है इस वक्त और जबरदस्त प्रदर्शन वहां देखा जा रहा है. तस्वीरें इस्तांबुल से भी आ रही हैं. इस्तांबुल में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं. सारी कंट्रीज इकट्ठी हो रही हैं भाई फिलिस्तीन के लिए ना. Hundreds hit the streets of Istanbul to show solidarity with Palestinian people. The demonstrators condemned Israeli atrocities against Palestinian civilians and the siege imposed on the Gaza Strip. People chanted the slogans against the United States, European Union and Israel. Accusing them of committing crimes by depriving Palestinian citizens living in Gaza from electricity, water and medical supplies. They also condemned Israeli's bombardment of the blockaded territory. France ne bada kadam uthaya hai Palestine ke khilaf. Palestine ka ek TV channel Al Aqsa usko apni satellite se hata diya hai. Dekhiye ab WHO ne kya kaha hai. Bharat ke zehreele nashe mein doobe कातिलों को पूजने वाले, कातिलों की आरती उतारने वाले, बलात्कारियों की आरती उतारने वालों, देखो तुम किसको पसंद कर रहे हो. WHO कह रहा है, WHO कि गाजा में पूरे पूरे परिवारों को इजराइल खत्म कर रहा है, मिटा रहा है, जो बात मैंने चार दिन पहले कही थी. दोस्तों अब भारत के मुसलमानों को एक ही क्लियर बात बोलूंगा, अब आप क्लियर देख लो कि ऐसे इसराइल को आपके हमारे पड़ोसी बहुसंख्यक समाज के और भारतीय जनता पार्टी के नेता सपोर्ट कर रहे हैं. इसराइल के लिए पूजा अर्चना हो रही है और इनका कोई ईमान नहीं है, क्योंकि वो यहूदी खतना भी कराते हैं, वो गाय का गोश्त भी खाते हैं, समझ रहे हैं, तमाम वो चीज करते हैं जो इन सुअरों को झुंड को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसको अपना नाजायज बाप बनाने के लिए पखलाए हुए हैं, उकसाए हुए हैं. दोस्तों इस रिपोर्ट में ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. सो गाइस ये थी वीडियो, इन्होंने पूरा का पूरा जो मतलब की एक वर्ल्ड का क्या चल रहा है फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई को लेके कुछ बताया है कि तो, कैसे हाँ, फ्रांस क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, जो भी सपोर्ट में है, वो सपोर्ट नहीं है, सब कुछ उन्होंने दिखाया इस वीडियो में. बट इसमें मेन मुद्दा था कि ईरान का भाई, कि ईरान ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया. ईरान पूरा का पूरा भाई फलस्तीन का साथ दे रही है. हमने एक वीडियो भी देखी थी शायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है, कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो फलस्तीन का साथ नहीं दे रही है, एक ईरान ही है जिसने खुल के कहा है कि हम फलस्तीन के साथ है. एंड उन्होंने यूएन मतलब कि यूनाइटेड नेशन को वो भी दे दिए, चिट्ठी भी भेजी है, लेटर भी भेजी है कि हम जंग की तैयारी में हैं. गाजा पट्टी पे जो हमारे जो फलस्तीन के जो सैनिक हैं या फलस्तीन के जो सिविलियंस हैं उनका अत्याचार हुआ है, उनको मारा जा रहा है वहां पे, तो अगर ये चीज नहीं रुकी तो हम डायरेक्टली अटैक कर देंगे, हमारी जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पे ही है. लास्ट में इन्होंने भाई वो भी बताया WHO की रिपोर्ट कि इसराइल जो है वो वाइप्ड आउट करते जा रहा है, मतलब मारते जा रहा है सारे सारे फिलिस्तीनियों को. सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, एंड होप सो भाई सभी जल्दी से जल्दी जो भी इनका मैटर जल्दी से सॉल्व हो जाए, ज्यादा लोगों की जान ना जाए भाई इस चीज में. एंड बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.